और भगवान का रिश्ता केवल वो दोनों ही जानते हैं। भगवान केवल अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा तथा भाव के भूखे होते हैं, जो अटूट है। भगवान से जुड़ने या महसूस करने के लिए मन को साधना जरूरी है। अक्सर आपने कुछ लोगों के मुख से सुना होगा कि पूजा पूरे मन से करनी चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। यूं तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की पूजा का जिक्र किया गया है, मगर इनमें एक ऐसी भी पूजा है जिसे सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, और वो है मन से कल्पित सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा, जिसे मानस पूजा कहा जाता है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि आखिर ये मानस पूजा है क्या। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मानस पूजा का क्या महत्व है, साथ ही जानते हैं इससे जुड़ी विधि के बारे में। मानस पूजा की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। हिंदू धर्म के पंच देवों में एक भगवान शिव की मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिव को ऐसे देव के रूप में जाना जाता है जो स्वयं सरल हैं, भोले हैं और मात्र बेल पत्र चढ़ाने, जल के अर्पण, यहाँ तक कि शिव व्रत की कथानुसार अनजाने में की गई आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को सिर्फ भक्ति मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी आडंबर से नहीं। शिव मानस पूजा में हम प्रभु को भक्ति द्वारा मानसिक रूप से तैयार की हुई वस्तुएं समर्पित करते हैं, अर्थात किसी भी भारी वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। मानस पूजा में केवल मन का निर्मल व स्वच्छ होना आवश्यक होता है, इसीलिए पुराणों में मानस पूजा को अन्य होने वाली पूजा से हजार गुना लाभदायक माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा भगवान शिव की एक अनूठी स्तुति है। ये स्तुति शिव भक्ति मार्ग के अत्यंत सरल एवं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाती है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। शिव मानस पूजा में मन कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों भारी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस, चंदन, धूप, दीप, नवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष देते हैं। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट सांब सदाशिव को सुधा सिंधु से आप्लावित कैलाश शिखर पर कल्प वृक्षों से आवृत, कदंब वृक्षों से युक्त, मुक्ता मणि मणित भवन में चिंता मणि निर्मित सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार, सच्चिदानंद घन परमात्म प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। ये है मानस पूजा का स्वरूप। मानस पूजा साधक के मन को एकाग्र व शांत करती है। शिव मानस पूजा में जितना समय भगवान के स्मरण और ध्यान में बीतता है,
अर्थात व्यक्ति अंतर जगत में रहता है, उतने ही समय वह भारी जगत से प्राप्त तनाव व विकारों से दूर रहकर मानसिक स्थिरता प्राप्त करता है। मानस पूजा में साधक बाहरी पूजा में आने वाली अनेक भय, बाधा और कठिनाइयों से मुक्त होता है। साधक के पास भगवान की सेवा हेतु मानसी पूजा सामग्री जुटाने के लिए असीम क्षेत्र होता है। इसके लिए वह भूलोक से शिवलोक तक पहुंचकर भगवान की उपासना के लिए श्रेष्ठ व उत्तम साधन प्रयोग कर सकता है, जैसे वह पृथ्वी रूपी चंदन, आकाश रूपी फूल, वायु रूपी धूप, अग्नि देव रूपी दीपक, अमृत के समान नवेद्य आदि से भगवान की पूजा कर सकता है। इस प्रकार वह बंधन मुक्त होकर भावना पूर्वक मानस पूजा कर सकता है। मानस पूजा में समय बीतने के साथ साथ भक्त ईश्वर के अधिक समीप होता जाता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भक्त, भगवान और भावना एक हो जाते हैं। साधक स्वयं को निर्विकारी, वासना रहित स्थिति में पाता है और सरस हो जाता है। पुराण कहते हैं कि साक्षात भगवान शिव ने इस पूजा को स्वीकार किया था। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।